फ्रेंड्स, दिस इज गौरव। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि लास्ट वाले सेशन में किस तरीके से हम लोगों ने WLC को कॉन्फ़िगर किया था। अगर आपको लास्ट वाला सेशन देखना है, अगर आप भी अभी तक आपको पता नहीं कहाँ पे है, तो ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है 9 नेटवर्क, इसके अंदर ये जो फर्स्ट वाला वीडियो दिख रहा है यहाँ पे, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ WLC इन पैकेजेस। पैकेजेस के अंदर मैंने WLC वायरलेस कंट्रोल का कॉन्फ़िगरेशन किया है, काफ़ी सिंपल मेथड के थ्रू किया है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप ये वीडियो वो देख सकते, 15 मिनट का वीडियो है, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगा कि किस तरीके से कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग उसके आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो पर्टिकुलर वायरलेस कंट्रोलर है, इसके साथ एक्सेस पॉइंट किस तरीके से रजिस्टर्ड होता है। हम लोग दो तरीके से करके देखेंगे। एक होता है DHCP, जो तो पता है, जो कि डायनेमिकली ऑटोमेटिक IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा। सेकेंड थिंग इज स्टैटिक, स्टैटिक के थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये यूजर PC से एक्सेस लेता हूँ वायरलेस कंट्रोल का। अभी ये तो पता ही है, अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना है तो पहले एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिए जो अभी भी जस्ट बताया मैंने। ओके, मेरे पास वायरलेस कंट्रोल का एक्सेस आ चुका है। मैंने इसके लिए ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड वगैरह दे चुका हूँ। पासवर्ड मैंने ये वाला दिया है, सेम है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ, वो मेरे लिए इजी रहेगा। ठीक है, देखो ये मेरा वायरलेस कंट्रोल का कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने को मिलता है। अगर रियल प्रोडक्शन में भी देखो तो सेम एज इट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 150 एक्सेस पॉइंट सपोर्ट करता है। कंट्रोलर समरी, एक्सेस पॉइंट समरी एंड क्लाइंट समरी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। इन सेकेंड टाइम WLAN वायरलेस लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास सिंगल SSID है ऑफिस नाम से, तो मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि और एक SSID बना दूँ। क्रिएट न्यू में क्लिक किया मैंने, यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन क्रिएट न्यू, तो यहाँ पे जाके गो करता हूँ। गो करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल नेम कुछ भी डाल सकता हूँ, तो मैं मोस्टली प्रोफाइल नेम और SSID सेम ही रखूँगा। जैसे कि प्रोफाइल नेम डाल देता हूँ मैं 9, सॉरी नेटवर्क डाल देता हूँ ओनली, चलो ये बेटर रहेगा। नेटवर्क्स नेटवर्क्स ये हमेशा प्रॉपर रखो, इक्वल रखो, या तो फिर इधर कैपिटल एन रखो। ठीक है, ID मैं 2 रख रहा हूँ बिकॉज 1 इज ऑलरेडी क्रिएटेड। मैक्सिमम 16 हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे नंबरिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके बाद अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अप्लाई करने के बाद ही हमें कुछ जनरल में यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आता है स्टेटस, तो यहाँ पे हमें चेक मार्क करना पड़ेगा, एनेबल करो, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन इज सिक्योरिटी, QoS पॉलिसी मैपिंग एंड एडवांस सिक्योरिटी के अंदर L2, L3 एंड AAA सर्वर्स है, जो कि L2 सिक्योरिटी में नन कर रहा हूँ, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं, L3 भी नहीं, AAA भी सिक्योरिटी में प्रोवाइड नहीं करने वाला हूँ। QoS पॉलिसी मैपिंग और एडवांस के अंदर अभी तक मैं कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, डिफॉल्ट रख रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशन, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर से एक बार बैक जाके देख लेता हूँ मैं। मेरे पास 2 SSID है। द फर्स्ट SSID इज ऑफिस, ऑफिस जो हमारा सिक्योरिटी पॉलिसी है WPA2 PSK, ये हम लोगों ने सिक्योरिटी पॉलिसी यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जब हम लोग स्टार्टिंग में करते तभी। ठीक है, इसके लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना पड़ेगा, फर्स्ट वीडियो। ओके, द सेकंड वन इज द नेटवर्क्स, नेटवर्क्स करके मैंने SSID बनाया है। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी पासवर्ड नहीं है, दैट्स मीन्स ये ओपन है, कोई भी पर्सन आके इसको कनेक्ट कर सकता है। जस्ट कंसिडर एज अ पब्लिक वाईफाई, काफ़ी सारे सिटीज़ में, स्मार्ट सिटीज़ में वाईफाई के प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसके ऊपर ओपन नेटवर्क भी उन्होंने कॉन्फ़िगर करके रखा है, ताकि पब्लिक आसानी से उसको कनेक्ट कर सके। ठीक है, सिंपली उनको SSID दिखता है, कनेक्ट कर देते हैं। चलो यहाँ तक तो मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अभी फिर से मैं मॉनिटर में जाता हूँ, मॉनिटर में जाके यहाँ पे देख सकता है एक्सेस पॉइंट समरी, यहाँ पे सभी जगह मुझे 0 दिख रहा है। इसका मतलब अभी तक कोई भी एक्सेस पॉइंट कनेक्टेड नहीं है, एक्सेस पॉइंट ही नहीं है तो क्लाइंट भी कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, एक्सेस पॉइंट के लिए और कहाँ पे चेक कर सकते हैं, वायरलेस, वायरलेस के अंदर यहाँ पे एक्सेस पॉइंट का डिटेल आएगा, अभी तक एक्सेस पॉइंट नहीं है तो यहाँ पे कोई डिटेल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग करते हैं स्टैटिकली कॉन्फिगर, स्टैटिकली रजिस्टर ऑफ एक्सेस पॉइंट टू वायरलेस कंट्रोलर। सेम एस अगेन, मैं यहाँ से उठाता हूँ एक्सेस पॉइंट, दिस इज माई एक्सेस पॉइंट, इसका नाम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ मैं AP1, कुछ भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, AP1।
और एक एक्सेस पॉइंट ले लेता हूँ, सेम ही मॉडल, इसका नाम चेंज नहीं करता, इसका नाम ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ मैं स्विच के साथ, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज ये अंबर कलर में ब्लिंक हो रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरे पास एक्सेस पॉइंट वन है और यहाँ पे लाइट वेट एक्सेस पॉइंट वन, ठीक है। तो सबसे पहला जो एक्सेस पॉइंट वन है उसको कॉन्फिगर करता हूँ, तब तक ये ग्रीन कलर में हो जाएगा तब तक हमारा कॉन्फिगरेशन हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्फिग करके ऑप्शन है, एक्सेस पॉइंट कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है, ये कुछ उसका जो हार्डवेयर होता है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये पावर वाला बटन होता है, अगर आप रियल एक्सेस पॉइंट देखते हो तो उसके अंदर पीओई नॉन पीओई पोर्ट भी होता है, आप उसके थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन रियल प्रोडक्शन डिवाइस में जो डिवाइस होता है रियल वाला उसके अंदर लिखा रहता है यहाँ पे इसके नीचे में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज द कॉन्फिगर, कॉन्फिगर के अंदर जाता है थर्ड वाला ऑप्शन है डब्ल्यू एल सी, सेकंड ऑप्शन ग्लोबल के अंदर सेकंड ऑप्शन है डब्ल्यू एल सी। तो हमारा जो ये डब्ल्यू एल सी है वायरलेस कंट्रोलर, इसका आई पी एड्रेस क्या है 1.1, जो कि हम लोगों ने प्रोवाइड किया था 192.160.1.1। तो सेम आई पी एड्रेस मैं यहाँ पे देता हूँ प्राइमरी कंट्रोलर, ओके। द नेक्स्ट वन इज गीगाबाइट इथरनेट, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने आईपी एड्रेस दिया 1.1 और ये यूजर पीसी का आईपी एड्रेस मैंने क्या दिया है, लेट मी चेक, इसका आईपी एड्रेस दिया 1.5, तो मैं सोचता हूँ कि इसका आईपी एड्रेस देता हूँ 1.10 और इसका दे देता हूँ 1.20, ठीक है, बिकॉज सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस होना चाहिए। 1.10 देता हूँ, ओके। सबनेट मास्क ऑटोमेटिक ले लिया, क्लास सी का है तो 255.255.255.0, ओके। अभी हम लोगों को फिर से कंट्रोलर के ऊपर जाके चेक करना पड़ेगा एक्सेस पॉइंट रजिस्टर हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो फिर से कंट्रोलर पे जा रहा हूँ मैं, https://, सेम एस एडमिन एंड पासवर्ड, पासवर्ड मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा था इसलिए मैं सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक्सेस पॉइंट कनेक्ट हुआ है ऐसा बता रहा है। सेकंड थिंग, यहाँ पे डिटेल्स में जैसे क्लिक करूंगा तो ये वायरलेस के ऊपर हमें रिडायरेक्ट करेगा, देखो रिडायरेक्ट किया एक्सेस पॉइंट, उसका आईपी एड्रेस हम लोग मैप एक बार मैच कर लेते कि यही मैक एड्रेस है कि नहीं, लास्ट इज 8201 तो हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं 8201, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेरा एक्सेस पॉइंट कनेक्ट हो गया। अभी सेकंड वाला एक्सेस पॉइंट के लिए मैं आईपी एड्रेस देता हूँ 192.168.1.20, प्राइमरी कंट्रोलर सेम आईपी एड्रेस आएगा जो कंट्रोलर का है, ठीक है 1.20। फिर से एक बार चेक करते रिफ्रेश करके देखता हूँ, ठीक है रिफ्रेश हो गया, देखो नया वाला एक्सेस पॉइंट, इसका नाम जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है सेम एक्सेस पॉइंट का नाम आ गया, आईपी एड्रेस सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं ये उसका मॉडल नंबर है और उसके बाद हम लोग ये मैक एड्रेस वेरीफाई करते 3701 सॉरी 3701, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस पॉइंट भी प्रॉपर मैक एड्रेस से शो हो रहा है जो हमें कंट्रोलर के ऊपर दिख रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा यहाँ तक का कॉन्फिगरेशन हो गया। सेम एज मॉनिटर में जाके देखता हूँ तो अभी दो एक्सेस पॉइंट दिख रहा है, एक्सेस पॉइंट समरी, अभी तक क्लाइंट समरी नहीं है, क्लाइंट मतलब यूजर्स, यूजर्स का कोई भी समरी नहीं, बिकॉज अगर मैं टोपोलॉजी देखता हूँ तो टोपोलॉजी के अंदर मुझे कोई भी यूजर्स दिख नहीं रहा है, ठीक है। वायरलेस कंट्रोलर एंड एक्सेस पॉइंट ये, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं यूज करूंगा लैपटॉप फॉर कनेक्टिंग, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए मैं लैपटॉप का यूज़ करता हूँ, तो यहाँ से मैं जाता हूँ कोई भी एक लैपटॉप उठा लेता हूँ, या तो फिर वायरलेस डिवाइस में और कौन सा आता है, स्मार्ट डिवाइस फ़ोन है ये, ठीक है स्मार्टफोन ये भी देख लेते। तो सबसे पहले मैं लैपटॉप को कॉन्फिगर करता हूँ, काफ़ी सिंपल कॉन्फिगर है, यहाँ भी देख सकते हैं पुराने ज़माने के लैपटॉप है तो इसके अंदर ये जो पोर्ट है इथरनेट है ये WPC 300N, ये मेरा वायरलेस मॉडल बोल सकते हैं उसको, तो हम लोग इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने से पहले हमें डिवाइस को टर्न ऑफ करना पड़ेगा, यहाँ पे बोला है पॉपअप आ गया, डिवाइस को टर्न ऑफ करने के लिए यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है पावर ऑन येलो कलर में ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब पावर ऑन है, इसको ऑफ कर दिया, इसको रिमूव कर देते, ये वायरलेस का
स्लॉट यहाँ पे फिक्स कर दिया, डिवाइस को ऑन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन इज अ कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर जाते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डब्ल्यू एल सी वायरलेस जीरो, ठीक है। अभी ये वायरलेस जीरो है, तो अभी क्या हो रहा है, अभी मुझे वायरलेस जीरो इसके अंदर एस एस आई डी ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो हम लोग यहाँ पे एस एस आई डी डाल के कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एस एस आई डी है देख सकते हैं, एक है नेटवर्क्स जो कि ओपन है जिसके लिए पासवर्ड की जरूरत है, तो नेटवर्क्स कनेक्ट करके देखते हैं। सो सेम एस यहाँ पे मैं डालता हूँ नेटवर्क्स, कैपिटल एन था, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। देखो कनेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया, ठीक है। सेम थिंग अगर मैं स्मार्टफोन के साथ करने करके देखता हूँ, तो स्मार्टफोन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो सेकंड वाला एस एस आई डी है, सेकंड एस एस आई डी का नाम क्या है हमारे पास, ऑफिस, कैपिटल ओ है ऑफिस, ये वाला जिसके साथ पासवर्ड है, हम लोग वो वाला कनेक्ट करके देखते हैं। कॉन्फिग, कॉन्फिग के अंदर वायरलेस जीरो, ऑफिस, और जो पासवर्ड था डब्ल्यू पी ए टू पी एस के, ये फॉर्मेट में, सिक्योरिटी पॉलिसी, पासवर्ड शुड नॉट बी एम्प्टी, ठीक है। तो अभी थोड़ा फिर से वेट करते, कनेक्ट होना चाहिए, देखो कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं हमारा एक्सेस पॉइंट, ठीक है, सॉरी डिवाइसेस। सो दिस आर द एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट को रजिस्टर करने का एक प्रोसेस होता है जो कि हम लोगों ने फॉलो किया। सेम एज यहाँ पे देख सकते हैं लैपटॉप, लैपटॉप को भी हम लोगों ने एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ एस एस आई डी। एक एक्सेस पॉइंट के ऊपर हम लोग मल्टीपल एस एस आई डी रेडिएट कर सकते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे किया। दोनों डिवाइसेस यहाँ पे कनेक्टेड है। अभी ये जो डिवाइस है ये चल रहा है हमारे नेटवर्क्स जो कि एस एस आई डी था जिसके अंदर कोई भी ऑथेंटिकेशन नहीं था, पासवर्ड नहीं था, और ये है हमारा स्मार्टफोन, ये जो चल रहा है ये कनेक्टेड है ऑन ऑफिस, ऑफिस करके एक एस एस आई डी बनाया जिसके लिए हम लोगों ने डब्ल्यू पी ए टू पी एस के फॉर्मेट या ऑथेंटिकेशन बोल सकते हैं, ऑथेंटिकेशन हम लोगों ने यूज़ किया जिसके अंदर हमें पासवर्ड डालना पड़ा, और उस पासवर्ड के साथ ये कम्युनिकेशन हो गया, कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं और एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये देखो डीएससीपी के थ्रू ऑटोमेटिक कनेक्ट हो गया वो, ठीक है। एनीवेज तो ये तो हो गया मेरा स्टैटिकली कॉन्फिगर। अभी इसके बाद जो सेशन बनाऊंगा इसके अंदर मैं बताऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से हम लोग डीएससीपी के थ्रू एक्सेस पॉइंट को आईपी एड्रेस देंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डीएससीपी सर्वर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे। ये वाले सेशन में हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर मैं साथ में दोनों सेशन बनाऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा, तो मैं ये वाला सेशन यहीं पे क्लोज करता हूँ। सो थैंक यू सो मच।